नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज पेट की चर्बी से या बढ़े हुए पेट से 60% से ज़्यादा लोग परेशान हैं, और इसको कम करने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, और उसमें से कई तरीके, कई उपाय फायदेमंद भी हैं। जैसे कि हम कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का या आयुर्वेदिक टिप्स का प्रयोग करके अपने पेट को कम करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, और एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करके भी पेट को कम करने का प्रयास किया जाता है। योगा, प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे कारगर होता है। योगाभ्यास से भी हम अपने पेट को समतल कर सकते हैं, पेट को फ्लैट बना सकते हैं। योगा में मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक होता है योगासन और दूसरा होता है प्राणायाम। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें हमको एक आसन जो कि योगासन में आएगा उसको करेंगे, और उस विशेष आसन में बैठकर एक प्राणायाम करेंगे जो पेट की चर्बी को घटाने के लिए अत्यधिक कारगर है। आप पहले दिन से ही इसका असर देखेंगे, और अगर आप 10 दिन भी इसका अभ्यास नियमित रूप से किए, सही तरीके से किए, तो आपका वजन 15 किलो तक कम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में से किसी एक आसन में बैठ जाएं। मैं फिलहाल पद्मासन में बैठने जा रहा हूँ। बाएं पैर को की एड़ी को दाएं पैर के जांघ की से टच करना है, और दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जांघ से टच करना है। कमर सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है, और सिर को सीधा रखना है। हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में हो। ज्ञान मुद्रा से मतलब है अंगूठा और तर्जनी उंगली एक दूसरे के स्पर्श में हो इस तरह से, और इन दोनों को घुटने पर रख लें। अब हम जो प्राणायाम करेंगे उसे हम कहते हैं कपाल भाती। कपाल भाती पेट की चर्बी को कम करने के लिए अति उत्तम है। इसे कैसे करते हैं देखें। इस प्राणायाम में सांस लेते समय हमको कोई प्रयास नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से सांस को अंदर जाने दें और सांस को फुर्सली बाहर फेंकें। पुश करते हुए सांस को जितना भी तेज पुश कर सकते हैं उतना पुश के साथ सांस को बाहर फेंकें। एक बार फिर से देखें। इस तरह से आपको कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से 5 मिनट तक करना है। अगर आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से 5 मिनट करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि 10 दिन में आपका वजन 10 से 15 किलो तक कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,